आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कस्बा चौबेपुर की घटना, कानपुर के छात्र ने टीचर को गोली मारी। ये घटना भजनलाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले शिक्षक का नाम विकास तिवारी बताया जा रहा है। क्लास में शिक्षक ने स्टूडेंट को डंडा मारा, इतनी बात को लेकर स्टूडेंट ने गोली चला दी। गोली चलने से शिक्षक घायल और उसके पीछे एक खड़ा छात्र भी घायल हो गया। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों की हालत स्थिर है। शिक्षक का बयान लेकर दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। न्यूज 9 भारत के लिए गौतम दत्त शर्मा की रिपोर्ट। कस्बा चौबेपुर में एक भजनलाल इंस्टीट्यूट ऑफ कोचिंग है, जहां पर आज सवेरे टीचर हैं श्री विकास तिवारी। वो जब स्कूल में आ रहे थे तो उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर फायर किया, जिसमें उनको भी चोट आई है और उनके पीछे जो एक छात्रा भी स्कूल में आ रही थी उसको भी कुछ चोटें आई हैं। वर्तमान में दोनों यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में हैं और दोनों की हालत स्थिर है। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, कोई खतरे की बात नहीं है। जो दोनों एक्यूज है उनके विरुद्ध जो टीचर है उन्होंने जो तहरीर दी है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और पूरी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। ठीक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।